नमस्ते। आज का हमारा चर्चा का विषय हमारे पांच शरीर या फाइव बॉडीज हैं। इन्हें शरीर के पांच कोशों के नाम से अर्थात फाइव शेड्स के नाम से जाना जाता है। यह जानकारी उन श्रोताओं के लिए है जो शरीर के पांच कोशों के विषय में कुछ नहीं जानते। वैसे तो कुछ विद्वान इन कोशों को सात की गणना में भी व्यक्त करते हैं, परंतु हम यहां केवल पांच कोशों के विषय में ही बात करेंगे, ठीक है ना। इन कोशों को समझने के बाद ही हमें ज्ञात होगा कि हम क्या हैं। संभव है कि कभी आपके मन में भी प्रश्न आया होगा, तो आखिर हम इस जीवन में क्यों आए हैं और सचमुच में हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है और हमारा अंत किस लक्ष्य पर होगा। यह सब समझने के लिए हमें अपने शरीर के पांच कोशों की जानकारी आवश्यक है। ये कोश एक सही तालमेल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह के प्याज में परतें होती हैं, आपने देखी होंगी, एक दूसरे से थोड़ी सी दूर परंतु फिर भी साथ, उसी तरह ये कोश एक सुरताल में मिलजुल कर काम करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। अब यहां प्रश्न ये आता है कि हमारी जीवन यात्रा का लक्ष्य आखिर क्या है। तो समझ लीजिए कि हमारा लक्ष्य हमारी आत्मा अर्थात मैं को हमारे परमात्मा क्रिएटर तक ले जाना है। अंत में प्रत्येक जीव को, जिसको भी जीवन मिला हुआ है, परमात्मा में, अपने क्रिएटर में विलीन होना ही होना है और इससे कोई भी आत्मा बच नहीं सकती। अब निर्णय हमारा है, चाहे तो हम आराम से एक ही जन्म में यह यात्रा पूर्ण कर सकते हैं या फिर अनेक जन्मों को भोगें। देखिए, यह जीवन एक संघर्ष की यात्रा है। आपने देखा होगा सभी अपने अपने स्तर पर संघर्ष में लगे हुए हैं। अधिकतर मनुष्य अपने स्तर पर संतुष्ट नहीं है। हां, संतुष्ट केवल वे लोग हैं जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर हैं, है ना। यहां अपने अस्तित्व को समझने के लिए आपके पांच कोशों को समझना अति आवश्यक है। आज विज्ञान के अनुसार भी प्रमाणित किया गया है कि हमारा अस्तित्व उससे बहुत बड़ा है जो हमें दिखाई देता है। परंतु यही बात हमारे भारतीय साहित्य में हजारों सालों पहले वर्णित की गई है। दैतर्य उपनिषद के अनुसार भी हमारा शरीर शारीरिक स्तर पर ही सीमित नहीं होता, उसके साथ चार अन्य लेयर्स शील्ड्स भी होती हैं, अर्थात कुल मिलाकर पांच कोश जो एक दूसरे से समन्वय बनाते हुए कार्य करते हैं और हमें परमात्मा तक ले जाने में हमारी पूरी सहायता करते हैं। अब यहां प्रश्न यह है कि ये चार और शरीर कौन से होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमारे शरीर के साथ संलग्न होकर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में, लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये पांच कोश हैं। पहला है अन्नमय कोश। यह कोश, यह शरीर हमारा वह शरीर है जो हमें दिखाई देता है,
स्थूल शरीर, इसको इंग्लिश में फिजिकल बॉडी भी कहते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, यह शरीर स्थूल शरीर से थोड़ा सा अलग परंतु उससे अधिक सूक्ष्म तथा बहुत अधिक व्यापक होता है और बहुत अधिक बलवान होता है। तीसरा है मनोमय कोश, यह शरीर प्राणमय कोश से थोड़ा सा अलग पर उससे बहुत अधिक सूक्ष्म और अत्यधिक बलवान शरीर होता है। और जो हमें अनंत की ओर अग्रसर करता हुआ देखा गया है। चौथा है विज्ञानमय कोश, यह कोश मनोमय कोश से थोड़ा सा अलग परंतु उससे अधिक सूक्ष्म होता है और मनोमय कोश से बहुत अधिक व्यापक होता है, उसकी व्यापकता अनंत होती है। और अंत में पांचवा कोश आनंदमय कोश, यह विज्ञानमय कोश से अधिक सूक्ष्म, उससे थोड़ा सा अलग और अत्यधिक शक्तिशाली होता है। यह बहुत अधिक विस्तृत होता है, यह अनंत से भी अनंत होता है, इसका विस्तार असीमित होता है। यह है हमारे पांच कोश। मैं प्रत्येक कोश के विषय में आगे आपको विस्तृत जानकारी दूंगी और इनके विषय में आपको अवगत कराऊंगी, परंतु यहां यह समझना आवश्यक है कि हमारी आत्मा नश्वर है, आप तो जानते ही होंगे, परंतु इन पांच कोशों में हमारी आत्मा नहीं है। आत्मा इन सब से बहुत ऊपर है। ये सभी कोश नश्वर संसार से जुड़े हुए हैं। आप सब जानते ही होंगे कि मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है, स्पिरिचुअल बीइंग। तो जरा सोचिए कि ईश्वर ने हमें इसलिए तो नहीं बनाया होगा कि हम जीवन यात्रा में सुख दुख को भोगते हुए बड़े हो जाएं, खाएं पिएं, बच्चे पैदा करें और कामयाब या नाकामयाब होकर मर जावे। नहीं, परमात्मा ने यह जीवन यात्रा इसलिए नहीं दी है। परमात्मा ने हमें यह जीवन यात्रा अंत में उस तक वापस जाने के लिए दी है। जीवन यात्रा को चलाने के लिए एक यंत्र दिया है, आप उसको हार्डवेयर के रूप में देख सकते हैं, वह है यह शरीर। इस शरीर को चलाने के लिए, इस यंत्र को चलाने के लिए चार अन्य सॉफ्टवेयर रूपी चार कोश दिए हैं, जो शरीर को मिलजुल कर विभिन्न कार्यों में हमारी सहायता करते हैं, उसे चलाते हैं और हमें मोक्ष तक पहुंचाते हैं। मोक्ष अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। प्रत्येक आत्मा को यह यंत्र रूपी शरीर को चलाकर आत्मा को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना ही होगा, चाहे तो एक जन्म में या दुख भोगकर अनेकों अनेक जन्मों में, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से आप किसी भी तरह से बच नहीं सकते। मोक्ष अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। प्रत्येक आत्मा को यह यंत्र रूपी शरीर को चलाकर
अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा, चाहे तो इस जन्म में या फिर चाहे तो दुख भोगकर अनेकों अनेक जन्मों में, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से आप किसी भी तरह से बच नहीं सकते, ये समझ लीजिए। यहां इस संदर्भ में एक और बात बताना चाहूंगी कि आपने उपनिषद में लिखे गए एक शांति मंत्र के विषय में सुना होगा, जाना होगा, अस्तो मां सद्गम्या, तमसो मां ज्योतिर्गम्या, मृत्यु मां अमृतम गम्या। इसका अर्थ है कि शांति के लिए आत्मा परमात्मा से निवेदन करती है कि हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए, तभी मुझे शांति प्राप्त होगी। इस प्रार्थना से आपको समझ में आया होगा कि आत्मा कहती है कि जो दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है, तभी तो हम सत्य की ओर जाना चाहते हैं ना। अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग अर्थात अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने का मार्ग। इस प्रकार हम समझें कि हमारा मार्ग अज्ञानता का है जिस पर अभी तक हम चल रहे थे, अंत में मृत्यु लोक से परमात्मा की शरण में जाना अर्थात जन्मों के जंजाल से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करना। हजारों वर्ष पहले लिखे गए इस उपनिषद की इस प्रार्थना का तात्पर्य यही है कि हमें शरीर रूपी वाहन पर बैठकर चार अन्य कोशों रूपी उपकरणों से उसे चलाकर सत्य की ओर ले जाना ही मोक्ष है, वही निर्वाण है। यदि मेरी बात अभी भी आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं या मेरे चैनल को ईमेल कर सकते हैं। हाँ, अब तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया उसे सब्सक्राइब करें। यदि यह जानकारी आपको पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाकर मुझे उत्साहित करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने पहले शरीर की जो हमें दिखाई देता है। इसे अन्नमय कोश के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह कोश पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश तथा जल। यह हमारा भौतिक शरीर है, हमारा स्थूल शरीर, इसे इंग्लिश में फिजिकल बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसे हम अन्नमय कोश के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य केवल इस ही शरीर से परिचित हैं, अपना पूरा जीवन इसे ही बनाने, संवारने व रोगों से मुक्त करने के लिए देखे गए हैं। बाकी के चार शरीर चूंकि हमें दिखाई नहीं देते, इस कारण से बहुत लोग इन्हें जानते तक नहीं हैं। यह जो शरीर है अन्नमय कोश, यह हमें अपने माता पिता से प्राप्त होता है,
परंतु वह भी एक जटिल प्रक्रिया के साथ। एक मनुष्य जब जन्म लेता है शिशु रूप में, तो उसके अपने माता व पिता के साथ साथ पूर्वजों के गुणों या दोषों को लेकर इस संसार में आना पड़ता है। पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा भी एक मानव शरीर में जन्म से ही विद्यमान होता है। हमारी शारीरिक रचना, हाथ, पैर, बाल, पीठ, हमारा रंग, हमारी त्वचा, हमारे सारे अवयव, फेफड़े, दिल, दिमाग, वृक्क या किडनी, हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स अर्थात इंद्रियां इसी शरीर में होती हैं। वे इंद्रियां जो हमें जीवन जीने में सहायता करती हैं, सूंघने, सुनने, देखने, चखने और छूने का बोध कराती हैं, वे इसी अन्नमय कोश के अंतर्गत आती हैं। यह कोश पृथ्वी तत्व से तथा हमारे मूलाधार चक्र से भी संबंधित होता है। जन्म के बाद से जो भी हम खाते पीते हैं वह इस कोश को प्रभाव डालता है। इस प्रकार हम इस धरती पर भोजन का एक ढेर मात्र हैं। इस भोजन के कारण ही हमारे शरीर का विकास होता है, हम पुष्ट हो जाते हैं या फिर निर्बल हो जाते हैं, परंतु हम बढ़ते रहते हैं। पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद वृद्ध होना आरंभ हो जाते हैं। यही जीवन चक्र है। आपने सुना होगा कि हम वह होते हैं जो हम खाते हैं। इस कारण से हमें कब, क्या और कितना भोजन, अन्न ग्रहण करना चाहिए, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ तथा पुष्ट हो पाएंगे, तभी हम रोगों से मुक्त होकर जीवन यापन कर पाएंगे। इस संबंध में सोल क्राफ्ट ने पहले भी एक ऑडियो बनाया था, उसके विषय में कि हमें किस तरह से खाना खाना चाहिए, What type of meal should we eat, इस नाम से। यदि आपने यह नहीं सुना है तो अवश्य ही उसे सुने। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वह जानकारी आपके काम आएगी। शरीर को, इस अन्नमय कोश को स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए आयुर्वेद ने वात, पित्त और कफ का भी विस्तृत रूप से उल्लेख किया है, जो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से निरोगी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त षट क्रियाओं का पालन करना भी स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक समझा गया है। इन षट क्रियाओं में कपालभाति क्रिया, त्राटक क्रिया, धौतिक क्रिया, नैतिक क्रिया, नौली क्रिया तथा बस्ती क्रिया होती हैं, जिनका नियमित रूप से पालन करना चाहिए। आयुर्वेद की परामर्श के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यायामों, योग क्रियाओं, उपवासों तथा षट क्रियाओं के माध्यम से हम इस अन्नमय कोश को निरोगी रख सकते हैं।
कुछ लोग इस अन्नमय कोश को बहुत ही संभाल कर रखते हैं, वहीं कुछ लोगों का ध्यान ही नहीं होता कि हम अपने शरीर के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देकर। जब जो मिल गया खा लिया, जितना मिल गया खा लिया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है, उनका पूरा ध्यान अपने अन्य संघर्षों में लगा रहता है। यहां मेरा अपना परामर्श यह है कि अपने भोजन की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह भोजन केवल खाद्य सामग्री नहीं है, यही हमारे शरीर में रक्त बनकर दौड़ता है, यही हमारी हड्डियों को सुदृढ़ता देता है, और आज नहीं तो कल आपके जीवन में आपके भोजन का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए इस अन्नमय कोश का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि परमात्मा ने आपको ये कोश बहुत प्रेम से समर्पित किया है, इसे एक उपहार की तरह प्रयोग में लाएं। जब ये अन्नमय कोश पूरी तरह से शुद्ध होगा, तभी हम दूसरे कोश अर्थात प्राणमय कोश की ओर जाने का दरवाजा द्वार खोल पाएंगे। मैं आशा करती हूं कि आप इस पहले कोश अन्नमय कोश को भली भांति समझ पाए होंगे। यह अधिक सरल कोश भी है, क्योंकि हम इसे दैनिक जीवन में देखते हैं, उपयोग में लाते हैं। इसके बाद दूसरा कोश है प्राणमय कोश, और इस विषय में अन्य कोशों के विषय में विस्तृत जानकारी देने के लिए आने वाले ऑडियो का वेट करें, प्रतीक्षा करें, और अन्य कोशों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। और यदि इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों, संबंधियों तथा परिवार वालों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।